नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ा लड़ाकू कहने वाले अरविंद केजरीवाल पिछले 24 घंटे से चुप हैं, वो भी तब जब उन्हीं की सरकार की बनाई हुई वाटर टैंक घोटाले की रिपोर्ट अब एसीबी की टेबल तक पहुंच गई है। क्या है इस चुप्पी की वजह? कहीं ये तो नहीं कि इस जांच की आंच उन तक भी पहुंच रही है? दिल्ली की गरीब बस्तियों की प्यास बुझाने वाले पानी के टैंकर अब दिल्ली की सियासत की सरजमी को सींच रहे हैं। वाटर टैंकर घोटाले का जिन अब एसीबी जांच के दायरे के हंटर के साथ वापस आया है। जांच की आंच सीधे सीधे दो लोगों तक पहुंची है। पहला नाम शीला दीक्षित का है, जो घोटाले के वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष भी। जांच की आंच दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची है। केजरीवाल पर 11 महीने तक घोटाले की जांच रिपोर्ट दबा कर रखने का आरोप है। दो रिपोर्ट जो है अब ये एंटी करप्शन ब्रांच के पास आ गई और दोनों पर इंक्वायरी ऑर्डर हो गई। अब देखना यही है कि क्या इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या नहीं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसमें साफ साफ यही लिखा है, जो विजेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ यही लिखा है कि कहीं ना कहीं 11 महीनों तक केजरीवाल सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाए रखा और कहीं ना कहीं वो इसके लिए दोषी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल डॉक्टर नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार की सिफारिश के बाद 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दी है। साथ ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की वो चिट्ठी भी भेज दी है, जिसमें केजरीवाल सरकार पर घोटाले की जांच रिपोर्ट को 11 महीने तक दबाए रखने का आरोप है। जांच की दोनों सिफारिशें अब एंटी करप्शन ब्यूरो में पहुंच चुकी है। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट आई है, इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसमें शीला दीक्षित जी का भी नाम है और बाकी ऑफिसर्स जो दिल्ली जल बोर्ड उनका भी नाम है। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी एलिगेशन लगाया कि जो कपिल मिश्रा जी हैं उन्होंने 28 अगस्त 2015 को अरविंद केजरीवाल जी को रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उसके बाद ये भी एलिगेशन लगाया कि इस गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन नहीं लिया। केजरीवाल सरकार के लिए ये डबल ट्रबल है। अभी आम आदमी के 21 विधायकों की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है, ऊपर से ये जांच भी गले पड़ गई। ऐसे में सियासी पारा चढ़ना ही था। जिस रोज वाटर टैंकर घोटाले की जांच की मांग को लेकर विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता विधानसभा की टेबल पर चढ़ गए थे, उसी दिन ये भी तय हो गया था कि सरकार इस घोटाले को लेकर दबाव में है। सरकार ने न सिर्फ विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाया बल्कि उसमें जल मंत्री कपिल मिश्रा ने यह ऐलान भी कर दिया कि घोटाले की जांच की फाइल प्रधानमंत्री और एलजी को भेज दी गई है। उधर विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर घोटाले की जांच रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल की लिखित शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल से कर दी। हमारा ये कहना है क्योंकि ये 400 करोड़ का एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी रिपोर्ट सरकार ने 11 महीने तक दबा के रखी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उतने ही दोषी हैं जितने की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित दोषी हैं। दिल्ली की सियासत ने गजब की करवट ली है, जिसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोस रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी को कोस रही है और बीजेपी दोनों पर हमले कर रही है। चिराग गोठी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। कल ठीक यही वक्त था, शो भी यही था और मैं ही मौजूद थी जब हमने ये खबर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि इस जांच के लिए एसीबी तक जो अब आदेश गए हैं एलजी की तरफ से, जो मंजूरी गई है, उसमें न सिर्फ शीला दीक्षित के खिलाफ जांच होगी बल्कि फाइल दबाने का जो पूरा मामला है वो मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बनता हुआ उस पर भी जांच होगी, तो बौखला गए कपिल मिश्रा मौजूदा सरकार के मंत्री। और इतने बौखला गए, हमने हालांकि सच बताया आपको और सच उनके बौखलाने से या चिल्लाने से कहां छिपने वाला था। वाटर टैंकर घोटाले की जांच की आंच शीला दीक्षित ही नहीं अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच रही है। ये खबर जब गुरुवार को आज तक ने ब्रेक की तब दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा किस कदर बौखला गए थे, ये आपको हम फिर दिखाते हैं। कपिल मिश्रा जी, एलजी ने जिस आदेश को, जिस जांच को मंजूरी दी है उसमें न सिर्फ शीला दीक्षित बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी जांच होगी, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मेरे को लगता है कि आज तक के पास कोई जानकारी ही नहीं है और कौन सी दुनिया में आप रहते हैं ये नहीं पता, क्योंकि रिपोर्ट मैंने बनाई थी, एलजी साहब का लेटर मेरे पास आया है, मेरी रिपोर्ट को एसीबी को भेजा गया है।
आज तक पर जो खबर चली थी उसका हर लफ्ज सही था। ये बात साफ हो गई कि एसीबी शीला दीक्षित के खिलाफ रिपोर्ट की जांच तो करेंगे, साथ ही केजरीवाल ने जांच रिपोर्ट 11 महीने क्यों दबाए रखी इसकी भी जांच होगी। अब जरा सुनिए कपिल मिश्रा क्या कहते हैं। कपिल जी, एक साल तक रिपोर्ट रही आप लोगों के पास, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई, क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रोके रखा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज क्या कार्रवाई हो रही है? आज एसीबी के पास है, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करें और जेल के अंदर डालें। भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि एक साल लेट हो गया। अगर मेरे को एक साल लगता है सबूत इकट्ठे करके रिपोर्ट बना के एसीबी में देने में और उसके बाद भी ये देर है, तो 2 साल हो गए हैं। मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री ने कोई भ्रष्टाचार की जाँच करके अभी तक रिपोर्ट बना के क्यों नहीं दी है? कपिल मिश्रा तो शीला दीक्षित को जेल भिजवाने का सपना देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके मुख्यमंत्री ही जांच के घेरे में आ गए। सवाल उठा तो कपिल मिश्रा की बौखलाहट फिर सामने आ गई। केजरीवाल के बारे में आप सवाल क्यों डाल रहे हैं? मेरा जो सवाल है, सवाल डाल रहा हूं, केजरीवाल जी का क्या होगा? रिपोर्ट में केजरीवाल का नाम है? नहीं, एक साल उन्होंने रिपोर्ट में केजरीवाल का नाम है। भ्रष्टाचार के केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, कोई एक रिपोर्ट है, कोई शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत हैं, रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट है, कोई सवाल नहीं टाल रहा। एक साल तक तो दबा के रखिए ना, एक साल तक तो कुछ कहाँ है वो एक साल दबाने की रिपोर्ट? किसके पास है, कौन सी एविडेंस है, कौन से सबूत है? पिछले साल वाटर टैंकर घोटाले की जाँच को लेकर दिल्ली सरकार ने 5 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। कमेटी को जाँच में करीब 400 करोड़ रूपए की गड़बड़ी के सबूत मिले। कमेटी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर निजी कंपनियों को ठेके दिए गए। ठेके दिए जाने के दौरान शीला दीक्षित दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्ष थी, बोर्ड की बैठकों में वो मौजूद थी। ठेके की वित्तीय मंजूरी भी शीला दीक्षित की मौजूदगी में दी गई। जिन वाटर टैंकर की सप्लाई में घोटाले की रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने एसीबी को सौंपी है, वो टैंकर अब भी दिल्ली में पानी सप्लाई कर रहे हैं। सवाल उठे तो मंत्री जी ने गजब की नजीर पेश की। अगर कोई फ्लाईओवर बनता है और उसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है तो आप फ्लाईओवर तोड़ देते हो क्या? जनता के पैसे जा चुके हैं इसमें। दिल्ली में उसी दर पर वाटर टैंकर चल रहे हैं जिस दर पर शीला दीक्षित के कार्यकाल में चल रहे थे। आज तक ने मंत्री जी से सवाल किया, इस पर वो क्या बोले आप भी सुनिए। पर किलोमीटर कितना चार्ज करते हैं आप उनसे? नहीं, आप बताइए ना, आप तो मंत्री हैं सर, मैं आपसे पूछूंगा। आप जाके एक बार भाजपा से ही पूछ लीजिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित के अलावा आपको हर सवाल समझ में आ रहा है? वाटर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट एसीबी की टेबल तक पहुंचाकर दिल्ली सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, लेकिन इसका क्रेडिट मिलने की जगह अब तो दिल्ली सरकार की नीयत पर ही सवाल उठने लगे हैं। अमित कुमार चौधरी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। चलिए अब जरा बात शीला दीक्षित की करते हैं, क्योंकि दरअसल इस पूरे मामले में अब एसीबी की जांच के दायरे में शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और सरकार में आने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने लगातार ये कहा था कि 400 करोड़ का वाटर टैंक घोटाला हुआ है शीला दीक्षित के रहते हुए, जब वो जल बोर्ड की चेयरमैन थी। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने अशोक सिंघल ने, सुनिए क्या कह रही है। वाटर टैंकर घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और शीला दीक्षित जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उस टाइम घोटाला हुआ था। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद शीला दीक्षित जी। शीला जी, आपके समय में एक घोटाला हुआ था, वाटर टैंकर घोटाला, 400 करोड़ के करीब का, ये आरोप है केजरीवाल सरकार ने, जो कपिल मिश्रा मंत्री हैं उन्होंने रिकमेंड किया था और एलजी ने उसकी जाँच के आदेश दिए हैं, एसीबी को जाँच के लिए कहा है। नहीं, देखिए क्या आरोप लगे थे उस वक्त, तो कोई आरोप नहीं लगे थे। अब ये कौन है मिश्रा, मुझे नहीं मालूम क्या है वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लेट इट कम आउट, जब आएगा वक्त तो मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि मैं ही अकेली नहीं थी उसमें, सब होते हैं, ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है एक आईएएस का, और बीजेपी का भी मेंबर होता है उसमें, और एमसीडी के भी मेंबर्स होते हैं, तो सब है, तो कलेक्टिवली पहले देख तो लूँ कि कर क्या कह क्या रहे हैं। ऐसे ही आपने कह दिया 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, इतने बरसों क्यों नहीं आया भाई, वो अब क्यों आ रहा है? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इतना ही मैं कहना चाह रही हूँ। कम रेट वाले जो जिन्होंने अप्लाई किया था उनको इग्नोर करके प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया? नहीं है भैया, मुझे इतनी पुरानी बात याद नहीं है। वो टैंकर्स अच्छे थे, टैंकर स्टील के थे, आज भी वो टैंकर्स चल रहे हैं, इतना मुझे मालूम है, लेकिन बाकी कैसे हुआ था, क्या प्रोसीजर हुआ था, ये नहीं मैं। कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा में कि मैं जेल भेज के रहूंगा शीला दीक्षित जी को। कपिल मिश्रा जी को कुछ कहना है कहने दीजिएगा, वो उनका अधिकार है, कहने पर बोलने दीजिएगा। लेकिन वो टैंकर आज भी चल रहे हैं, आपका कहना ये कि उसमें अगर खामियां थी तो क्यों चल रहे थे? देखिए खामियां थी या क्या थी, मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं करना चाहती हूँ,
डिसीजन पूरी कलेक्टिवली लिया गया था जिसमें बीजेपी के भी लोग बैठे हुए थे। उस वक्त आप आदमी का आदमी नहीं था, नहीं तो एक आप आदमी का मेंबर ऑफ असेंबली भी होता, एमसीजी के मेंबर्स भी थे, हमारे अपने वाइस चेयरमैन होते हैं। तो ये सब कलेक्टिवली डिसीजन लिया गया। आप मेरे ऊपर मिस्टर कपिल मिश्रा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उनका ये कहना है कि एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, जाँच बिठाई गई थी, उसमें ये सब चीजें सामने आई। रिपोर्ट तो वो दे देना एसीपी को, देखने दीजिए, मेरे पास भेज दें, मैं बताऊंगी क्या है। फिर स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात भूसे से निकलने वाले सोने और रुपए की। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अब जबकि शिक्षा माफियाओं के घर पर छापे पड़ रहे हैं तो सोना और पैसा सब बरामद हो रहा है। ये बच्चा राय जो कि टॉपर्स की फैक्ट्री चलाते थे, इन्होंने तो भूसे में छुपा रखा था ये सब। सड़कों पर कमांडो खड़े हैं, घर में पुलिस फोर्स है, यहाँ छापेमारी चल रही है। आप देख सकते हैं इस घर के अंदर से पुलिस बोरों में भर भर कर कैश और सोने के जेवरात निकाल रही है। लेकिन इस रेड के पीछे की सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यह है बिहार टॉपर्स घोटाले का सरगना बच्चा राय। जी हाँ, बच्चा राय ने बिहार में फर्जी टॉपर बना बनाकर जितना माल बटोरा है, अब उस माल की पड़ताल चल रही है। बच्चा राय गिरफ्तार हो चुका है और बिहार पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसके ठिकानों पर छापे मार रही है। हाजीपुर वैशाली में ये शिक्षा के माफिया बच्चा राय का घर है। यहाँ एसआईटी ने रेड डाली तो भूसे के ढेर के अंदर बच्चा राय ने कैश और गहने छुपा कर रखे थे, लेकिन पुलिस ने शिक्षा माफिया का सारा काला माल जब्त कर लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बच्चा राय के काले धन को बोरों में भर भर कर सील कर रही है। बच्चा राय के भगवानपुर आवास के छापेमारी में 20 लाख रुपए के सोने और हीरे के जेवरात भूसे के ढेर से मिले हैं और 1,27,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। 1,27,000 सीज हुआ पैसे कैश, उसके अलावा जेवरात सीज हुआ है, डायमंड्स के भी हैं, सोने के भी हैं। जेवरात कितना के होंगे? करीबन 20 लाख के आसपास का है। हम आपको बता दें कि बच्चा राय हाजीपुर में विशुन राय कॉलेज के नाम से टॉपर्स की फैक्ट्री चला रहा था। इस फैक्ट्री से इस साल जब 3 टॉपर्स निकले तो आज तक ने उनकी पोल खोल कर रख दी। आज तक ने बिहार के इन टॉपर्स का टेस्ट लिया तो ज्ञान के नाम पर इनका भेजा खाली निकला। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा? और तो और, बच्चा राय ने अपनी बेटी शालिनी को भी बिना इम्तिहान दिए ही टॉप करा दिया। लेकिन शिक्षा का गोरख धंधा करने वाले बच्चा राय का भांडा चौड़े में फूटा तो विशन राय कॉलेज सील कर दिया गया, टॉपर्स का रिजल्ट भी रद्द कर दिया गया। आज तक ने यह भी दिखाया कि कैसे बच्चा राय के कॉलेज में टॉपर्स का रेट कार्ड फिक्स होता था, कैसे वो शिक्षा के गोरख धंधे से नोट छाप रहा था। टॉपर्स का घोटाला करके बच्चा राय ने जो काला धन भूसे में छुपाया था, अब वो थाने में सज रहा है। आप देख सकते हैं सोने के ये नेकलेस, सोने की चेन और पेंडेंट, अंगूठियां भी रखी हैं। पुलिस की टेबल पर बच्चा राय के नोटों की गड्डियां भी रखी हैं। बच्चा राय जी के यहाँ छापामारी जो हुई है उसमें कुछ जेवरात और गहना बरामद किया गया है। जो फूस में रखा गया था उसका आकलन हम लोग करवा रहे हैं और विधिवत तरीके से उसका जांच भी करवा रहे हैं। सरकार बिहार में टॉपर्स घोटाले पर नकेल कसने में लगी है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिहार की शिक्षा में जिन माफियाओं ने दीमक लगाया है उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आ रही है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। गुंडे से शादी हो इससे बेहतर है मौत को गले लगाना। मध्य प्रदेश के देवास की यह खबर है। बीएससी में ये छात्रा पढ़ रही थी, एक गुंडा जबरन उसे शादी करना चाहता था, उसने अपनी जान दे दी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। Oh,
देश में क्या होकर रहेगा कोई नहीं जानता। एक गुंडा एक शरीफ लड़की को टॉर्चर करता है, जबरदस्ती उसके घर में घुसकर बदतमीजी करता है, लड़की के घर में तोड़फोड़ करता है, घर के दरवाजे पर रात को दारू पीकर हंगामा काटता है और जबरन लड़की को उठाकर ले जाने की धमकी देता है। कुल मिलाकर एक शरीफ लड़की का जीना हराम कर देता है और बेचारी ये लड़की गुंडे की करतूतों से तंग आकर जहर खा लेती है। अब लड़की के घर में मातम पसरा है। एक भाई बहन की मौत पर रो रहा है। बेबस लाचार परिवार के पास आंसू बहाने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास की। यहाँ 22 साल की एक लड़की करिश्मा के पीछे इलाके का एक गुंडा राहुल गुर्जर उर्फ चाइना पड़ जाता है। चाइना अपनी गुंडागर्दी के जोर पर करिश्मा से जबरदस्ती शादी करना चाहता है और एक दिन तो हद ही कर देता है। वो करिश्मा को उठा कर ले जाने के लिए घर के अंदर ही घुस आता है। इस दिन घर पर करिश्मा की दादी थी, करिश्मा की भाभी थी, घर में कोई पुरुष नहीं था। और जब करिश्मा की दादी और भाभी चाइना को रोकती हैं तो उनके साथ बदतमीजी करता है और करिश्मा के भाई को जान से मारने की धमकी भी देता है। तो जब तक आया और गाड़ियों में ये इसमें गाड़ी में पत्थर मारने लगा, गेट में पत्थर मारने लगा, गेट ठोकने लगा, लात से ठोकने लगा, खिड़की तोड़ दी हमारी, उसके लात से खिड़कियाँ तोड़ी और वहाँ से टीवी फेंकने लगा, कूलर फेंकने लगा और गमला करिश्मा दीदी के ऊपर फेंक दिया उसने और बोलता तू मेरे साथ चल या तेरे भाई को जान से मार डालूंगा। वो चारिया खा के तेरी छोरी को उठा के ले जाऊँगा, मेरी बहू बनूंगा, राहुल गुर्जर की बहू बनूंगा, शादी करना चाहूँगा, नहीं करेगा तो तेरे को मार डालूंगा। हम आपको बता दें कि करिश्मा बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। वो जब भी कॉलेज जाती थी इलाके का नामी गुंडा राहुल गुर्जर उर्फ चाइना उसे बुरी नजर से देखता था और उससे शादी करना चाहता था। शनिवार यानी 11 जून को जब इस गुंडे ने उसके साथ बेहिसाब बदतमीजी की तो करिश्मा जबरदस्त तनाव में आ गई। बार बार गुंडे की धमकी और भाई की जान के खतरे से करिश्मा बुरी तरह से डर गई और उसने अपनी जिंदगी का अंत करने का फैसला कर लिया। जी हाँ, करिश्मा ने जहर खाकर जान दे दी। राहुल गुर्जर हमारे क्षेत्र का एक गुंडा है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके विरुद्ध हमारे बागली और अन्य थाना क्षेत्रों में कुल 17 अपराध पंजीबद्ध है। इसमें हमारी दायरे का अध्ययन करके उसके विरुद्ध धारा 306, 452, 506 के अंतर्गत गिरफ्तार की कार्रवाई करेंगे। बताया जाता है कि एक बार एक लड़की को राहुल गुर्जर उर्फ चाइना उठाकर भी ले गया था। चाइना पर लड़की का अपहरण और बलात्कार जैसे 17 संगीन मामले दर्ज हैं और देवास पुलिस अब 18वां केस दर्ज कर रही है। करिश्मा की मौत के बाद से ही चाइना फरार हो चुका है। राहुल करैया, देवास, आज तक। अगली खबर मेरठ की है, जहां पर कुछ बदमाशों ने मेरठ के सदर बाजार इलाके में अचानक एक ज्वेलरी दुकान में वो घुस गए, लूटपाट की और 2 मिनट में बस कंगाल बना दिया मालिक को। उत्तर प्रदेश में बदमाशों को दिन दहाड़े लूट को अंजाम देने के लिए सिर्फ 2 मिनट ही काफी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सरेआम एक दुकान में डकैती पड़ रही है। मेरठ में सुबह करीब 9:15 बजे अरिहंत ज्वेलर्स के मालिक अंकुर जैन ने अपनी दुकान खोली ही थी कि 15 मिनट बाद सफेद रंग की कार दुकान के ठीक सामने आकर रुकती है और धड़ाधड़ 5 लुटेरे दुकान में धावा बोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले एक बदमाश जीन्स और टी शर्ट में दुकान के अंदर बड़े आराम से घुसता है, फिर सफेद टी शर्ट में दूसरा बदमाश दुकान के बाहर वाली गैलरी में खड़ा हो जाता है। इसके बाद तीसरा बदमाश सिर पर गमछा बांधकर दुकान के अंदर आता है, फिर चौथा और पांचवा बदमाश भी गैलरी में दुकान के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अब गैलरी में 3 बदमाश थे और 2 ज्वेलरी की दुकान के अंदर। अब ये तीनों थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और फिर बाहर खड़े तीनों बदमाशों में से एक और अंदर चला जाता है। इसके बाद मुंह पर गमछा लपेटकर चौथा बदमाश अंदर घुसता है, जबकि एक बाहर निगरानी के लिए दुकान के बाहर खड़ा हो जाता है। अब 4 बदमाश ज्वेलरी शॉप के अंदर हैं। दुकान और मालिक और कर्मचारी अपनी जगह पर बैठे हैं। अब सफेद शर्ट वाला अपनी जेब से पिस्टल निकालता है, दुकान मालिक पर तान देता है। उसके बाद दूसरा भी पिस्टल को लोड करता हुआ आगे बढ़ता है। दुकानदार पूरी तरह से सहम जाता है। पीछे से तीसरा और चौथा बदमाश भी ज्वेलर्स के ठीक सामने होता है। अब सफेद शर्ट वाला बदमाश दुकानदार को मारने के लिए चढ़ जाता है और एक थप्पड़ भी जड़ता है।
इसके बाद दुकान में शुरू होती है लूट। पीली टी शर्ट वाला बदमाश शोकेश से गहने और आभूषणों के डिब्बे निकाल निकाल कर फेंकता है और उसका साथी उन्हें बटोरता रहता है। कुछ गहने बदमाश अपनी जेब में भी रखता है। काउंटर की सारी दराजें बदमाश खोल खोल कर उसमें से गहने निकाल लेते हैं और डकैती डालने के बाद फरार हो जाते हैं। पांच बदमाश आए, जो रिवाल्वर कट्टे ले रखे थे, हमसे माल मांगा, अलमारी की चाबी मांगी, जो सामान उनका 10 मिनट में ले सकते तो ज्यादा से ज्यादा वो सब लेकर चले गए, चांदी का सामान। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जिसमें लुटेरे पूरी दुकान को खंगाल कर चले गए। सभी थाने उस गाड़ी की सर्च में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस तरह से 9 बजे और मार्केट में इस तरह की वारदात हमारे लिए चैलेंज है। ये डकैती मेरठ के पौश इलाके सदर बाजार में पड़ी है। इस लूट के बाद सर्राफा बाजार के व्यापारियों में गुस्सा भी है और खौफ भी। सारे व्यापारी पुलिस पर बरस रहे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। आज आखिरकार रिलीज हो गई फिल्म उड़ता पंजाब, लेकिन पंजाब में इस फिल्म पर पहरा बिठा दिया गया है। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उनकी क्या राय है फिल्म के बारे में, देखिए। शुक्रवार को अनुराग कश्यप की विवादित फिल्म उड़ता पंजाब बड़े पर्दे पर आ गई, लेकिन एक कट और 3 डिस्क्लेमर के साथ रिलीज हुई फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर थमा नहीं। लिहाजा फिल्म पर्दे पर उतरी तो सही, लेकिन संगीनों के साए में। जी हाँ, पंजाब के लगभग हर शहर के सिनेमाघर का नजारा ऐसा ही था। चंडीगढ़ से लेकर पठानकोट तक, लुधियाना से लेकर जालंधर और पटियाला से लेकर अमृतसर तक सिनेमा घरों के बाहर पुलिस कर्मी तैनात थे ताकि कोई अनहोनी ना हो। आज तक ने उड़ता पंजाब के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद लोगों से उनकी राय जानी। चंडीगढ़ में तो लोग फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आए और कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। इसे लेकर मच रहा बवाल बेमानी। काफी विवादों और अड़चनों के बाद शुरू हुई फिल्म उड़ता पंजाब को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये पहला शो है, खत्म हुआ है। बात करते हैं, आपका नाम? चरणजीत वर्मा। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज है फिल्म के लिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, हरेक नु देखनी चाहिए, स्टूडेंट लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप बताइए कि कैसी फिल्म है ये? अच्छी फिल्म है जी, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, नशा दिखाया है, वो कहते हैं सच्चाई है। वहीं लुधियाना और पटियाला में लोगों ने फिल्म का विरोध किया, उड़ता पंजाब बंद करो के नारे लगाए। शिवसेना और हिंदू सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। इस फिल्म में पहली बात तो लिखा गया है, टाइटल है उड़ता पंजाब। हम ये पूछना चाहते हैं, नशे पे ये फिल्म दिखाई गई है, उड़ता पुणे क्यों नहीं बनाया गया? जहाँ जहाँ नशा बिकता है उस शहर के, उस प्रदेश के नाम से क्यों नहीं बनाया गया? अकेला पंजाब ही क्यों टारगेट किया गया? लेकिन फिल्म के निर्माता अनुराग कश्यप बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे तो एक कट और 3 डिस्क्लेमर के साथ फिल्म पास करा। पंजाब में चुनाव होने हैं और ड्रग्स का मुद्दा बड़ा बन रहा है, ऐसे में उड़ता पंजाब पर सियासत अब भी जारी है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।